एमजेपी रोहिलखंड, इसका पेपर आपका 24 अप्रैल को है, यानी 24/4/2023 के लिए। तो इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट टू, यानी इनके सेकेंडरी क्लास जो होते हैं, सेमेस्टर थर्ड रहेगा, को करिकुलर कोर्स है। पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपके क्वेश्चन सारे आएंगे मल्टी चॉइस, और ओएमआर बेस पर ही एग्ज़ाम होगा आपका। और फिजिकल जो एजुकेशन हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, वो भी ओएमआर पे ही होगा। यदि आप ओएमआर सीट भरने में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपके लिए ओएमआर सीट कैसे फिल करेंगे वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे हम, लेकिन वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। चूँकि टाइम का अभाव था, इसलिए मैं अभी छोटा, इसमें लगभग 35-40 क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरीके से पेपर आपका मिलेगा। ये आपका हो गया ह्यूमन बैलून, ये पेपर का नाम है एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ और पर्यावरण अध्ययन। तो इसमें ह्यूमन रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पेपर आपका 4 यूनिट में डिवाइड है, ठीक है। 4 यूनिट में ये फर्स्ट यूनिट है आज की, मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। ये पेपर कोड आपका है 30301, टाइम 3 घंटे का मिलेगा, मैक्सिमम मार्क आप करेंगे 75। और इस वीडियो माध्यम से ये भी आप समझ लीजिए कि कुछ थर्ड सेमेस्टर वालों के प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर वाले अपने कॉलेज से संपर्क करके बनाए रखें कि, और देखें कि उनका किसी विषय का प्रैक्टिकल तो नहीं हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। ये बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड ईयर, सेमेस्टर थर्ड, दोनों के लिए है। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, इसका एग्ज़ाम सिलेबस मेरे पास है, एग्ज़ाम डेट शीट है मेरे पास, जिसको आवश्यकता हो कमेंट में बताएं। बीए थर्ड सेमेस्टर का जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें, वहां से आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद में आप लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों में, क्योंकि ये 3 क्लासों का है, बीए, बीएससी और बीकॉम सेकेंड ईयर, तीनों के लिए पेपर है ये। 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है। पहला क्वेश्चन है, बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है, बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है। तो इसमें मैंने ऑप्शन में आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो भी दिया है, और इसमें आंसर भी दिया हुआ है, विलियम हेनरी बिल गेट्स इसका नाम है पूरा नाम, किसका, बिल गेट्स का पूरा नाम है ये। तो जितने क्वेश्चन हैं उनके साथ में उनके आंसर भी हैं। बिल गेट्स का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर मैंने सीधे ऑप्शन दे दिया है, बिल गेट्स का जन्म 19 अक्टूबर 1955 में हुआ था, ठीक है। गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की थी, तो आंसर में आपका बनेगा 1975। सो मैंने केवल यहाँ पर आपका आंसर दिया है, ऑप्शन सारे नहीं दिए। आपको इसी को ध्यान रखना है, जो आपका राइट आंसर है उसी को ऑप्शन में से क्लिक कर देना है। ओएमआर सीट कैसे भरेंगे वो भी आपको मिल जाएगी अगले वीडियो में बता देंगे हम, पर वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, 5-5 लोगों तक ज़रूर भेजिएगा, जिससे कि 5-5 लोग भेजेंगे तो कम से कम आपके, अगर आपने 50 लोगों के साथ में अगर ये जोड़ दिया, भेज दिया 50 लोगों के पास पहुँचा दिया, तो उम्मीद है कि लगभग 15-20 लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे। तो इसी तरीके से चैनल हमारा आगे बढ़ता रहेगा। तो इसका अगला क्वेश्चन है, गेट्स की वर्तमान यानी 2022 के अनुसार कुल संपत्ति कितनी है। तो US यानी कि डॉलर के अमेरिका में 80 बिलियन, ठीक है। गेट्स का पैतृक मूल देश कौन सा है, तो जर्मन है, इसका नाम दिया हुआ है, यानी कि मूल रूप से जर्मनी के निवासी थे ये। अगला क्वेश्चन है, बिल गेट्स की माता का नाम क्या था या क्या है, तो इनकी जो माँ है, माता का नाम है मैरी मैक्सवेल गेट्स। ये जो है किसकी माता है, बिल गेट्स की। बिल गेट्स के पिता का नाम, पिता का व्यवसाय क्या था, तो वो पेशे से वकील यानी कि एडवोकेट थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, गेट्स ने अपना व्यापार नाम माइक्रोसॉफ्ट कब पंजीकृत किया, तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1976 में, ठीक है। बिल गेट्स किस अल्मा मैटर से संबंधित थे, तो आपका आंसर है इसका वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से संबंधित थे। बिल गेट्स का वर्तमान धर्म क्या है, तो आइए देखते हैं क्या है इनका वर्तमान धर्म। इनका जो वर्तमान धर्म है वो रोमन कैथोलिक है,
है विलियम गेट्स की पत्नी कौन सी हैं, किनका नाम क्या है? तो मेलिंडा फ्रेंच जो है वो विलियम गेट्स की पत्नी है। इसमें 40 क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबा खिंच जाएगा। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड, चार पार्ट में हम ये पूरा पेपर कवर कर देंगे। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आने वाले हैं। बिल गेट्स का विवाह कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1994 में हुआ था। बिल गेट्स द्वारा कौन सा शीर्षक लिखा गया है, यानी बिल गेट्स ने कौन सा शीर्षक लिखा है? ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें आपको देख लेना है, आग की सड़क, ये उन्हें लिखा गया है। बिल गेट्स फाउंडेशन का क्या नाम है? और देखिए, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष पद का इस्तीफा उन्होंने कब दिया था? तो ये आपको बताना है। तो इस्तीफा दिया था फरवरी 2004 में। अजीम प्रेम जी अध्यक्ष और सीईओ हैं विप्रो के, ठीक है? तो विप्रो ढूंढना है ऑप्शन में, वही आपको क्लिक कर देना है, यानी कि उसको ड्रिंक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, अजीम प्रेम जी का जन्म कब हुआ? सन 1945 में। अजीम प्रेम जी का सन, अजीम प्रेम जी का सन 1913 में 13 में सबसे अमीर भारतीयों में से कौन सा स्थान रहा? किसका? अजीम प्रेम जी का। तो इनका 9वां स्थान रहा था, ठीक है। बिजनेस वीक द्वारा अजीम प्रेम जी को किस रूप में मान्यता दी गई? तो मान्यता दी गई थी उन्हें महानतम व्यवसायी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अजीम प्रेम जी का दुनिया के अमीर व्यक्तियों में कौन सा स्थान था? तो 41वां स्थान था। सन 2000 में अजीम प्रेम जी को किस संस्था के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई या उपाधि से सम्मानित किए गए? तो वो उपाधि दी मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, इसको देने के लिए मतलब क्या दिया गया, ट्रॉफी दी गई। अजीम प्रेम जी को किस वर्ष बिजनेसमैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? तो आइए वो देख लेते हैं, तो वो है सन 2000 में। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? अध्यात्म का अर्थ होता है अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना। अगला है, अजीम प्रेम जी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो वो है पद्मश्री पुरस्कार, जो है इसे कबीर को नहीं नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अजीम प्रेम जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो आंसर आपका है 2011 में। अजीम प्रेम जी को किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि दी गई, मतलब कि डी लेट से सम्मानित किया गया? और इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो अजीम प्रेम जी को किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ द लेटर्स की उपाधि दी गई थी? तो उस कॉलेज का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, सन 2001 में अजीम प्रेम जी ने एक गैर लाभकारी संगठन एनजीओ की स्थापना की थी, तो वह एनजीओ कौन सा था? तो अजीम प्रेम फाउंडेशन नाम से इनका क्या था, एनजीओ था। अगला क्वेश्चन, अध्यात्म के कौन कौन से तत्व होते हैं या हैं? तो रिश्ते, मूल्य और जीवन का उद्देश्य, ये क्या हैं? अध्यात्म के तत्व हैं। सी एस आर का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, का उसका पूरा नाम है। कैरोल का प्रमाण मॉडल किस सन में प्रकाशित किया गया था या प्रस्तावित हुआ था? तो आंसर में आपका है इसका 1991 में। CSR के कितने स्तर होते हैं? तो इसमें चार चरण होते हैं, स्तर के चरण चार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, CSR का के विकास का चौथा चरण
किस सन में आरंभ हुआ? तो 1980 में ये चरण आरंभ हुआ। रोल मॉडल के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के कारण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ है परोपकारी, आर्थिक, कानूनी और नैतिकता। पुरस्कार एनजीओ बॉक्स की पहल है किसकी? सीएसआर के प्रभाव की। मार्केटिंग ऐसी प्रक्रिया है इसका उद्देश्य होता है गांव के ग्राहकों को संतुष्ट करना। नैतिकता शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मानव स्वभाव को समझना। इथोस का क्या अर्थ है? चरित्र। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश में सामूहिक संस्कृति अधिक है? फिर अगला क्वेश्चन है, समाज के प्रति सीएसआर में एक और एक उत्तरदायित्व कौन है? यह उत्तरदायित्व है किसका? उत्तरदायित्व पर्यावरण सुरक्षा का उत्तरदायित्व है, यही जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय नैतिकता का महत्व क्या होता है? तो कर्मचारियों, शेयरों और सुरक्षा के लिए, शेयरधारकों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, यही क्वेश्चन थे। वीडियो को लगा देखिए जैसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसका आपका 4 वीडियो आएंगे, फर्स्ट पार्ट है इसका, और चौथे पार्ट में हम पेपर भी समझेंगे कैसा पेपर आएगा। तो बंद करते हैं, ये वीडियो कम्प्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।